नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल वेद भाई में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं और आपको तत्काल टिकट की ज़रूरत पड़ जाती है और आपको टिकट नहीं मिलता, या आपको मिलता है टिकट, वेटिंग टिकट मिलता है जो कि बाद में कन्फर्म भी नहीं हो पाता चार्ट बनने के तरह से, आप कन्फर्म टिकट लेंगे और पूरी ट्रेन भरी होगी फिर भी आपको सीट मिलेगी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC रेल कनेक्ट का ये एप्लीकेशन ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेन वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे चार्ट वैकेंसी का ऑप्शन आ जाता है, ये देखिए चार्ट वैकेंसी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जिस भी ट्रेन से जाना चाह रहे हैं या आपका वेटिंग टिकट जिस भी ट्रेन का है, आप या तो आपने वेटिंग है टिकट या फिर आपने टिकट बनवाया ही नहीं क्योंकि चार्ट बन चुका था और आपको तत्काल में जाना था, आपके पास कंफर्म सीट नहीं है। आपको जिस भी ट्रेन से जाना है, ट्रेन का नंबर और जर्नी डेट और आपको बोर्डिंग स्टेशन एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गेट ट्रेन चार्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपको अपनी क्लास चूज कर लेनी है, जैसे यहाँ पे देखिए H1 में फर्स्ट AC में एक बर्थ खाली है, A1 में भी एक बर्थ खाली है और बाकी में फुल हो चुका है, कोई खाली नहीं है। आपको अपनी क्लास में जैसे ये है AC A1, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक सीट खाली है, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर जो होती है वैकेंट फॉर फुल जर्नी होती है और जो येलो कलर का है वैकेंट फॉर पार्ट जर्नी। पार्ट जर्नी का मतलब होता है जैसे ये काशी विश्वनाथ है वाराणसी से दिल्ली तक के लिए चलती है, तो इसमें कुछ जो येलो येलो वाले हैं यानी ये पूरी जर्नी के लिए नहीं फुल है, बीच में खाली है। जैसे किसी ने बनारस से हो सकता है भदोही के लिए बुक किया, फिर भदोही से दिल्ली तक की खाली हो, या फिर लखनऊ तक हो फिर लखनऊ से दिल्ली की खाली हो, या फिर बनारस से लखनऊ तक खाली हो फिर उसके बाद बुक हो, तो इस तरह से भी आप देख करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक बार देख लेते हैं कि ये देखिए ये जो 32 नंबर का अपर सीट है ये पूरी खाली है, ये देखिए बनारस टू न्यू दिल्ली वैकेंट, पूरी ही सीट खाली है। अब आप इस पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, बिल्कुल ये वैकेंट फॉर फुल जर्नी खाली है, वैकेंट फॉर फुल जर्नी। अब आपको सिंपली इस सीट पे जाके बैठ जाना है, TT आए तो आप उनसे टिकट बनवा लीजिएगा, बस इतना ही करना है। और अगर से मान लीजिए आपको ग्रीन नहीं होती, जैसे आप स्लीपर में भी जाना चाह रहे हैं, अब स्लीपर में देखिए कोई खाली नहीं है लेकिन आप पार्ट टाइम जाना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको दिल्ली से बनारस नहीं जाना हो, बीच के दो स्टेशनों के बीच जाना हो या 10 स्टेशन जाने हो, तो आप किसी पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देखिए अभी पूरी सीट खाली नहीं है फुल जर्नी के लिए, लेकिन बट येलो है यानी पार्ट जर्नी है। अब मान लीजिए आपको ये 46 को देखना है तो यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए ये बनारस से रायबरेली पूरी खाली है, रायबरेली से नई दिल्ली के लिए बुक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा सीट है जो आपके लिए ठीक है, तो आप उस पर जा सकते हैं। ये देखिए बनारस से गौरीगंज वैकेंट है, उसके बाद ये गौरीगंज से न्यू दिल्ली के लिए बुक है। तो इस तरह से आप चाहें तो चेक करके आप चेंज करके बीच बीच में आप जा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।